सो इट्स 6:30 AM और आई एम गोइंग टू वर्क आउट. काफ़ी डार्क है अभी यहाँ पे, बट कोई टाइम नहीं इसके अलावा. बेसिकली ज़्यादा मैंने कार्डियो पे अभी जोर देना है, बिकॉज कार्डियो करूँगी तो थोड़ी स्ट्रेंथ बनेगी. सो अभी आजकल सिर्फ कार्डियो और थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कुछ खास नहीं करनी है. और मौसम ठंडा ही है, ठीक है, मौसम ज़्यादा वो नहीं है, बट थोड़ा सा ताकि स्वेटिंग होती है ना, तो इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया है. और अभी एम्बर उठ गई होगी घर पर, इसके बाद दीपक का नंबर है वर्कआउट का, क्योंकि हम दोनों पहले इकट्ठे आते थे, बट अभी हम लोग टर्न लेके आते हैं बारी बारी से. तो अभी घर जा रही हूँ वापस, घर जा कुकिंग करनी है नहा के मुझे, बस 11-12 बजे तक पैक होता है मेरा पूरा दिन. सो लेट्स गो होम. मैं आ गई हूँ घर पे और दोनों, मैं सोच रही थी कि एम्बर उठी होगी, बट दोनों सो रहे हैं. अभी दीपक को उठाना है, नहीं तो एक मिनट भी हमारे लिए बहुत कीमती होता है मॉर्निंग में, बिकॉज अगर वो मिस हो गया तो दीपक वर्कआउट पे नहीं जा पाएंगे. तो अभी दीपक को उठाती हूँ. मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, जो कि मैंने पहले से कर दिए थे. आलू अभी मैंने चॉप करे हैं, मटर मैं रात को पील करके रख लिए थे. और यहाँ पे सब्जी बन रही है और यहाँ पे साथ में मैं बना रही हूँ चाय. तो अभी अंबर का हलवा बना रही हूँ, बार्ले हलवा. चाय बन गई है, सब्जी बन गई है और ये मेरी चाय है शुगर फ्री, और दीपक की अभी वहां पे है शुगर वाली चाय यहाँ पे. गाइस, तो अभी वर्कआउट से आके मैंने दीपक उठा दिया, दीपक ने बेड बना दिया जो कि इट्स अ ग्रेट हेल्प. और उसके बाद मैंने सब्जी फटाफट बनाई जिसकी प्रिपरेशन मैं ऑलरेडी पहले रात को करके रखती हूँ, साथ में चाय. उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, जब तक चाय बनती है सब्जी बनती है. और अभी हम लोग चाय पियेंगे. चाय के बाद एक्चुअली ना, जब मैं सोचती हूँ कि रूटीन वीडियो मुझे बनाना है, उसी दिन मेरी मौसी जो है हमारी वो छुट्टी मार लेती हैं, तो आज मुझे क्लीनिंग भी करनी है. वो बहुत बड़ा काम नहीं है, 5-10 मिनट में हो जाती है. तो और बस दोनों ये खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. उसको ट्राई करवाते हैं, मतलब उसको ऐसे करवाते हैं कि खाना है और वो किस चीज़ को मना नहीं करेगी. पर देना नहीं है एम्बर, दिस इज नॉट फॉर यू. नेल्स मारते, नेल्स मारते. मेरी नींद ये सुबह की नींद खोल देती है. कैसे? मेरे बाल उखाड़ के. एम्बो चाय पीते हैं अभी ना. चाय पीने के बाद में मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है. और मुझे क्या करना है एक्चुअली ना, मैं सब कुछ ऐसे रखती हूँ कि मुझे इस टाइम से इतने 9 से 9:30 ये करना है, 9:30 से 10 ऐसे करना, तो इसलिए मेरा काम फटाफट हो जाता है. फिर भी 11 बज जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, बट आई एम लिविंग दिस लाइफ. अंबर कबूतर देख रही है, अंबर का कबूतर बहुत पसंद है. सो वी हैड अ टी और अभी अंबर का टाइम है चाय पीने का. अभी अंबर का टाइम है ब्रेकफास्ट करने का. अंबर अभी मैंने कर लिया है जो लंच पकने लेके जाना होता है, मैं पहले वो प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ. तो अभी मेरा क्लीनिंग भी हो गई है, मॉप रहता है एक्चुअली, डस्टिंग और झाड़ू वगैरह हो गया है. और एम्बर को खाना भी हो गया है, सब कुछ हो गया. तो अभी 9 बज गए हैं, देख लो 1 घंटे में सब कुछ हो गया ही है. और दीपक अभी वर्कआउट के लिए गए हैं, तो हम लोग ऐसे टर्न्स लेके जैसे जा रहे हैं. एम्बर भी खेल रही है अपना, अभी मेरे को टाइम दे रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है. अलग अलग एम्बर का टाइम चेंज होता रहता है. अभी इसका दोपहर को सोने का टाइम बहुत ही कम हो गया है, पहले 2-3 आवर्स का ये सो जाती थी, पहले 2-3 आवर्स सोती थी, अभी वहाँ पर खेल रही है.
पहले सोती थी ज्यादा टाइम, अभी थोड़ा कम हो रहा है टाइम के साथ। दीपक मेरे को बहुत बोलते हैं कि तू नैनी रख ले, एक नैनी रख ले, तो मैं सोचती हूँ कि नैनी रखने से बेटर है ना कि मैं, जो मेरी मौसी है वो एक तो क्लीनिंग अच्छी नहीं करती और मुझे क्लीनिंग मतलब मैं बहुत ज्यादा मुझ में है कि मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए, घर परफेक्ट चाहिए, चीजें वो करके जाती हैं, बट वो ज्यादा मैसी हो जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छी नहीं होती क्लीनिंग, सॉरी टू से, बट ये ऐसे है। और उसके बाद मुझे अभी एम्बर जैसे क्रॉल कर रही है, मुझे फिर से मॉप करना पड़ता है 2-3 बार, तो सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे बेटर है ना कि मैं दीपक बोला कि अगर नैनी रखूंगी मैं कोई, तो 1 or 2 hours के लिए रखूंगी, ताकि मेरा उस टाइम पे घर का काम हो जाए, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो जाए, और एम्बर को भी टाइम मिल जाए किसी के साथ स्पेंड करने के लिए, और एम्बर अच्छा फील करेगी ना। तो ये अभी तक आइडिया है, बट अभी आई थिंक जब एम्बर 1 साल की हो जाएगी तब उसके बाद ये मैं करूंगी अप्लाई ये वाला। अभी तक तो मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही है। अब इसके बाद एम्बर की मालिश और इसका नहाना होगा, और यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है तो नहाना इज फाइन फॉर बच्चा। तो ये है एम्बर अभी ना शिकार ढूंढ रही है अपना वो प्लांट जो है कि क्या है, बट ही लव्स माई प्लांट्स, उसको तंग नहीं करती वो प्लांट्स को। सो जब मेरी क्लीनिंग वगैरह हो जाती है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा असेंशियल ऑयल ऐड कर देती हूँ, लेमन हो गया, ऑरेंज, रोज, तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है डिफ्यूजर में। एंड मैडम जी प्लेइंग एम्बर स्ट्रॉबेरी आर यू माय स्ट्रॉबेरी, उसको कुछ नहीं लेना देना मम्मा क्या कह रही है। ओ दिस इज दीपक्स ब्रेकफास्ट और ये है मेरा, और जस्ट बॉइल्ड एग्स खाऊंगी और साथ में शायद कुकुम्बर खाऊं। दीपक के लिए बना रही हूँ मैं एक मायोनीज सैंडविच, तो बस बॉइल्ड एग को मैश करके अच्छी तरह इस पे स्प्रेड करके इसको टोस्ट कर दूंगी। सो गाइस विंटर इज हियर एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग अ प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग फॉर एम्बर, एंड दैट इज ममा अर्थ मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज। क्योंकि ये अभी विंटर है तो विंटर में बच्चे की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, और ये प्रोडक्ट में मिल्क प्रोटीन और मुरुमुरु बटर है, और ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत नेचुरल हैं, केमिकल फ्री है, कोई पैराबन और सिलिकॉन नहीं होता है। तो ये जो क्रीम है इसमें मिल्क प्रोटीन है और मुरुमुरु बटर है, जो कि बच्चे की डेलिकेट स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और जो भी ड्राइनेस है उसको लॉक कर देता है बाय प्रोवाइडिंग अ मॉइस्चर। और इसमें शिया बटर है जो कि बच्चे के स्किन टेक्सचर को बहुत ही इम्प्रूव करता है। ये डर्मा टेस्टेड है और कोई केमिकल, कोई इसमें कुछ पैराबन वगैरह नहीं है। ये अवेलेबल है अमेजोन, ममा अर्थ और फर्स्ट क्राई पे। आप चेक कर सकते हो मेरा कोड SUNE20 जिससे आपको 20% ऑफ मिलेगा। प्लस ममा अर्थ जो है वो प्लास्टिक पॉजिटिव है, दैट मीन्स दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज़। और इस प्रोडक्ट की ये अच्छी बात है कि ये बच्चे को वो ज़्यादा ऑयली नहीं दिखाता, ज़्यादा चिपचिपा नहीं है, बहुत अच्छा है इसका टेक्सचर है, फॉर्मूला बहुत अच्छा है। तो ये एम्बर को मैं डेली अप्लाई करती हूँ और स्किन बहुत ही अच्छी है, और बच्चे को ध्यान में रख के ये प्रोडक्ट बनाया गया है, और मुझे ममा अर्थ के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं बिकॉज ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। एम्बर का जो लंच है वो है ये दाल, साथ में थोड़े से राइस बना लूँगी, और इसमें मैं दाल जो है वो मिक्स कर रही हूँ, पालक के 2-3 पत्ते, मेथी के, इसके डॉक्टर ने बोला है कि जब भी आप बनाओ तो इसे मिक्स करके बना लो, तो पालक के 2 पत्ते, मेथी, टमाटो और ये दाल जो मैंने भिगो दी थी। तो इसको जैसे हम जैसे अपना तड़का लगाते हैं वैसे ही हल्का सा घी ऐड करके तड़का लगाना है। जीरा ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर रही हूँ, जैसे अभी इसकी एज थोड़ी हो गई है पहले से तो उसको स्टार्ट करा मैंने, थोड़ा थोड़ा सब कुछ देना, तो अभी थोड़ा सा घी ऐड करके सो इसको 4-5 whistle लगवा के और देन ब्लेंड कर लेना है। टाइम और पापा जा रहे हैं ऑफिस, उससे पहले एम्बर का नैप है और एम्बर अपनी सॉक्स उतार ली है एक। एंड पापा बाय बाय, कहाँ का बाय बाय, ये सो नहीं रही है एम्बर, सो जा रहा और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो गया है, जस्ट एम्बर की जो दाल बनाई है उसको ब्लेंड करना है मिक्सचर में, बाकी सारा काम हो गया है मेरा। और मुझे लगता है कि जिस दिन मौसी नहीं आती काम वाले, मेरा काम जल्दी फिनिश हो जाता है, फ्री हो जाती हूँ। और अभी तो आई एम हैविंग ग्रीन टी,
और क्योंकि जैसे मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो डिलीवरी के बाद ना मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी कम हो गया है, एनर्जी वो नहीं रहती, तो यही रीज़न होता है कि हमारा वेट कम लॉस होता है, क्योंकि जो जब मेटाबॉलिज्म आपका हाई नहीं होगा, कम होगा, तो आप में एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी कम होगी तो आप कम कैलोरीज बर्न कर पाओगे। तो मैं अभी वर्कआउट कर रही हूँ अपने मेटाबॉलिज्म पे, अगर मेटाबॉलिज्म मेरा अच्छा हो जाएगा तो मैं जरा अपना वेट लॉस कर पाऊंगी। अभी तो वेट लॉस नहीं हो रहा है, जस्ट इंचेस लूज हो रहे हैं, बट वेट लॉस होना भी ज़रूरी है फॉर माई BMI। ये मैंने ग्रीन टी भी स्टार्ट करी है अभी, और मतलब ऐसे होम रेमेडीज़ करती रहती हूँ, कुछ हुआ तो मैं बताऊँगी पक्का आपको। तो अभी एम्बर सो गई है, फर्स्ट नैप है उसका, अभी अगर डिस्टर्ब नहीं हुई तो वो 2 घंटे भी सो जाएगी, हो गई तो वो आधे घंटे में भी उठ जाएगी। उसने जो पायल पहनी हुई है ना, उसकी आवाज़ आ जाती है हिलते हुए। तो मैं थोड़े दिन पहले आपको बता रही थी गुट्टी के बारे में, कि मैंने एम्बर को गुट्टी दी है जब वो 3-4 महीने की थी, तब उसके बाद स्टार्ट करी है, और वो देसी वाली ही दी है, तो बीच में मैंने थोड़े बंद कर दी थी, अभी मैंने फिर से स्टार्ट करी है, क्योंकि वेदर जो है थोड़ा सा हल्का सा उसके लिए ठंडा है। तो ये है, ये एक्चुअली मैंने डिब्बे में ऐसे रखी हुई है, एयर टाइट डिब्बे में, तो मैं इसको अच्छी तरह धूप लगा के जब भी यूज़ करती हूँ, क्लीन करके धूप लगा के इसको रख देती हूँ में, ताकि ठीक रहे। तो ये थी ब्रांड की, ग्रीन हर्ब्स ब्रांड की, मैंने अमेजोन से ली थी, कुछ 150-160 रुपीज़ की थी, और अभी फर्स्ट ही है, क्योंकि जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नटमेग है, जायफल है, वो दो दो इस क्वांटिटी में आते, तो काफ़ी टाइम तक चलते हैं, तो ये बॉक्स में आया था, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे रख लिया, और जब भी यूज़ करती हूँ वो मैंने अलग से रखे हुए हैं, तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर अभी रखे हैं इसमें। तो जैसे ये चीज़ है, तो ये ऐसे 2 आएंगे, और आप यूज़ करके उसको अलग डब्बे में रख सकते हो, साफ करके धूप लगा के। अगर आप उसको गीला ही छोड़ दोगे, एक तो अनहाइजीनिक हो जाएगा, प्लस उसको वो फुई सी लग जाती है, ग्रीन वो लग जाएगी। तो इसलिए हमेशा हाइजीन का सबसे पहले ध्यान रखना है, आपके हाथ हमेशा क्लीन होने चाहिए यूज़ करने से पहले। और तो हमें चाहिए होती गुट्टी के लिए ये हर्ब्स, ग्रीन हर्ब्स की, तो वहाँ के साथ उसके साथ बुकलेट आता है, तो बुकलेट में सब कुछ लिखा है कि अगर सर्दी खांसी है तो कौन कौन से हर्ब्स देने हैं, फीवर है तो कौन से हर्ब्स देने हैं, अगर आपको कुछ और नहीं देना, देसी रेमेडीज़ करनी है तो इनमें से, और डेली गुट्टी के लिए क्या देना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सी देनी है, मतलब इनमें से कौन से हर्ब्स चूज़ करने हैं, और सारे हर्ब्स कब देने हैं, और डेली गुट्टी में मतलब 5-6 इन्ग्रीडियंट्स जो आप डेली दे सकते हो, बाकी आप जैसे कई चीज़ें होती है वो नहीं देनी होती है डेली, तो वो बुक में लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नेम थे, संस्कृत जैसे नेम थे, तो वो आप बुक में देख सकते हो, रख सकते हो वो बुक। और जैसे सौंठ हो गई, सौंफ, अदरक, ड्राई जिंजर हो गया वैसा है, देन काली मिर्ची जैसे हो गई, मुलेठी होगी, छुआरा हो गया, काली मिर्च, हल्दी होगी, जायफल हो गया, तो ऐसी चीज़ें हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप पंसारी की दुकान से भी ले सकते हो, अगर आपको पता है, नॉलेज है पूरी। तो साथ में चाहिए ऐसा हमें पत्थर, तो ये मिल जाता है इजीली आपको किसी भी पंसारी की दुकान से, पूजा वाली दुकान से, ये बेसिकली जो चंदन जिसपे घिसते हैं ना, चंदन वैसा वाला। ये हमेशा जब भी आपको यूज़ करना है, उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद आपको गर्म पानी से इसको धोना है, वॉश करना है, चाहे बॉयल कर सकते हैं, तो क्योंकि सारे जर्म्स वगैरह इसके हटने चाहिए और आपके हाथ साफ होने चाहिए। और जब भी आपको बनाना है तो आपको अपने बेबी के मंथ के हिसाब से बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बेबी 4 मंथ का है तो आपको हर हर्ब को 4 टाइम घुमाना है। तो आपको दिखाती हूँ अभी कैसे है। सो अभी जैसे कि ये हर्ब्स मैं यूज़ कर रही हूँ, हल्दी है, छुआरा है, बादाम आता है, मामरा आलमंड बोलते हैं उसको, वो आता है, देन काली मिर्ची ऐसे आती है। तो आपको जो जो हर्ब्स यूज़ करने हैं आप कंसर्न के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप सारे यूज़ कर सकते हो, बट अभी ऐसा मैंने एम्बर को सारे के सारे भी दिए हैं जब मानसून था, जब ज़्यादा सर्दी थी, बट अभी मैं थोड़ी सी चीज़ें देती हूँ उसको, मुलेठी देती हूँ, हल्दी देती हूँ, देन जिंजर देती हूँ, काली मिर्ची का देती हूँ, तो ये सारी चीज़ें का मैं बनाती हूँ। तो आपको क्या करना है, ये पत्थर लेना है वॉश्ड, थोड़ा सा दूध लेना है, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क है चाहे वो फॉर्मूला है, तो उसको आप पे थोड़ा सा आपको 2-4 ड्रॉप्स उसकी रखनी है आपको पत्थर के ऊपर। और जितने मंथ का आपका बेबी है, अगर आपका बेबी 4 मंथ का है तो 4 टाइम्स इसको घुमाना है, ठीक है, हर हर चीज़ को ऐसे घुमाना है, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये 4 टाइम्स हो गया, इसको साइड पे आप रख दो, ऐसी आपको सारी इंग्रेडिएंट्स को घुमाना है।
तो अभी एम्बर 9 मंथ की है तो मैं 9 टाइम्स इसे घुमाऊंगी, बट अभी मैं रेफरेंस के लिए आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। तो मंथ इंक्रीज होता रहेगा, तो आप अगर आपको रेगुलर देनी है तो आप मंथ इंक्रीज कर सकते हो, और ऐसे करके आपको सारे करने हैं। तो ऐसा करके ये थोड़ा पेस्ट सा थिक हो जाएगी कंसिस्टेंसी, और आप किसी स्पून में किसी बोल में इसको करके बेबी को दे सकते हैं, और तो स्पून की हेल्प से चाहे ऐसे पोर कर लें। तो ये ऐसे हो गया है पोर। तो बच्चे कई बार बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बट मुलेठी होगी या बादाम हो गया, छुहारा हो गया, ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट बच्चों को अच्छा लगता है, बाकी हर्ब्स का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, पर बच्चे पीते हैं। थोड़ा सा एम्बर को तो अच्छा लगा था, एम्बर ने कभी मना नहीं करा है। तो ये ऐसे बन गया है, तो मैं इसको ऐसे पहला डाई में दे देती हूँ। एक्चुअली इनिशियली एम्बर जब स्टार्टिंग में NICU में थी तो उसको थोड़े टाइम के लिए इन्होंने इसमें दूध देते थे, वो ब्रेस्ट मिल्क इसमें देते थे, तो पहला डाई बोलते हैं ना इसको, कईयों को नहीं पता होगा, बालाडा भी बोलते हैं मराठी में, पहला डाई भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इससे बच्चा पीता है। तो मुझे लगता था ये थोड़ा सा शार्प है, बट शार्प नहीं है, ये बच्चे इजिली बहुत से दूध आराम से पीते हैं। जब आपकी गुट्टी बन गई है बच्चे को देने के बाद में, आपको सारे हर्ब्स को अच्छी तरह क्लीन करना है, चाहे आप कोई कॉटन का कपड़ा रख सकते हैं, चाहे पेपर टॉवल, कुछ भी अच्छी तरह सुखा के उसको रखना है, देन उसको धूप लगवानी है, देन उसको वापस रखना है कंटेनर में, ऐसे आपको नहीं रखना है। और ये जो है इसको आपको वॉश करके गर्म पानी में ही हमेशा वॉश करना है। बच्चे के लिए हाइजीन ये सब कुछ मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये गुट्टी कैसे बनानी है, अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं लिंक ऐड कर दूंगी। और भी ब्रांड्स के हैं, आप देख सकते हो, पाउडर में आती है, आप इजीली वो दे सकते हो अगर आपको ये नहीं करना है, देन और आई थिंक लिक्विड में बहुत सारी आती है, बट मैंने ये प्रेफर करी थी तो मैंने आपको मैंने सोचा बताती हूँ, क्योंकि सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है और देसी चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं। तो ये है, और अभी मैं अपना ग्रीन टी का लुत्फ उठा रही हूँ जो कि ठंडी हो गई अभी। ऑल्सो गुट्टी में आप सौंफ 1-2 दाने रख के उसको भी घुमा सकते हो, अजवाइन रख के कर सकते हो। तो ये देसी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है। अभी दाल जो बन गई उसको ब्लेंड करना है, अम्बर सोई हुई है, इससे पहले मुझे सारे काम निपटाने हैं, और जब मैं बैठूंगी तभी अम्बर उठ जाएगी, मुझे पता है ये। तो ये इसको ब्लेंड कर दूंगी, वैसे तो ऐसे भी खा सकती हूँ अगर मैं निकाल दूँ, बट ब्लेंड करके सब कुछ उसको मिलेगा, तो ये बना रही हूँ। तो ये भी दाल होगी रेडी, इसको मैं इसके राइस वगैरह में या रोटी इसमें थोड़ी सी मिक्स करके पतली पतली इसको दे दूंगी, खाएगी ये अंबर। तो दैट्स माय इवनिंग चाय, न्यूट्रीचॉइस बिस्किट 2 और मखाने, और जिसमें से आधा टुकड़ा एम्बर ने ले लिया है और फेंक दिया है, और एम्बर खेल रही है बड़ी वाली पोनी के साथ, आज अपने स्ट्रेनर के साथ खेल रही है ये। एम्बर 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 बिस्किट कितने गया देख लो, अब भी दिया, पता नहीं कहाँ फेंक दिया। मतलब मुझे लगता है कि जब से बेबी आपकी लाइफ में आता है ना, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिजी हो जाती है, पर मतलब इट्स टोटली वर्थ इट। बहुत प्यार लेते हैं बच्चे यार, बहुत, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं करती, मैं ऐसे रोने लग पड़ती खुशी हो के कि अंबर, मतलब मुझे इतना प्यार इस पे आता है अंबर पे, टोटली वर्थ इट। और दिन पर दिन बच्चे तेज होते रहते हैं, और डेली कोई ना कोई नई एक्टिविटी बच्चे करते हैं जो कि आपको अमेज करती है, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, और वहाँ पे लगी हुई है वो, तो अपनी मस्ती में बच्चे, उनकी क्या दुनिया, क्या आराम से रहते हैं, खुश रहते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अंबर को देख देख के। और मैं वो सोचती हूँ, वैसे डिफ़िकल्ट तो है बच्चों को रेज करना, बट इतना भी नहीं है जितना सारे बोलते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है, पर फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि पहले के टाइम पे इतने इतने बच्चे होते थे और बैक टू बैक, और कैसे संभालते थे सारे, मतलब बच्चे पता नहीं चलता था, कहते हैं कि कब बड़े हो गए हैं सभी के, और यहाँ पे अभी तो एक बच्चा ही काफ़ी है ना अभी। और अभी इवनिंग हो गई है, मुझे अभी ग्रोसरी शॉपिंग का मैंने करा हुआ है, अब मैं DMart को बहुत मिस करती हूँ, मैं बहुत जाती थी वहाँ पे, बट अभी क्या है, अभी थोड़ा टाइम का होता है कम और बिजी होता है, तो इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ, तो मैं बिग बास्केट वगैरह से ऑर्डर कर लेती हूँ। आज मेरी वो डिलीवरी एक आनी थी, और उसके बाद मेरे को वो सामान सारा सेट करना पड़ेगा,
उसके बाद फिर मैं डिनर बनाऊंगी। डिनर में आज मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊँ सांभर बना रही हूँ, इडली सांभर, या तो वो बनाऊंगी। हाँ बेटा मैं ये बता रही हूँ कि ये मेरी रूटीन होती है ना। हाँ सांभर के लिए वेजिटेबल्स मैंने ले लिए, कैरेट, पम्पकिन, बैंगन, ओकरा एंड ऑल, अनियन इज हियर, चटनी बन गई है जिसको मैंने अभी तड़का देना है, और इमली मैंने भिगो दी है। तो बस यही है अभी मेरा काम, और बाकी सारा मैं जो इडली बनाती हूँ वो मैं रवा की बनाती हूँ, तो ये डिनर हो जाएगा अभी। तो अभी आप मेरी मेरे फेस से जज कर सकते हो कि कितनी टायर्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि कल रात को मैं बहुत लेट सोई थी मैं, ताकि व्लॉग एडिट कर पाऊँ जो मैंने अभी आज अपलोड करा था, तो करके सुबह मैं वर्कआउट पे गई हूँ। तो अभी बस बैक टू बैक बहुत बिजी हो चुका है, और एम्बर अभी खेल रही है, एम्बर को सुलाना है। अभी 8:30 हो गए हैं, एम्बर 9 बजे सो जाती है और सुबह फिर उठती है, तो ये अच्छी इसकी रूटीन बन चुकी है। तो आई विल फिनिश दिस व्लॉग हियर, इसको अभी ट्राई करती हूँ सुलाने के लिए, तो विल कैच यू सून। एम्बर नो बेटा कुछ नहीं टच करना, आ जाओ, मैं बाय बाय कर दूँ, बाय बाय कर दूँ, बाय बाय, नो फोन, जब तक आप 21 के नहीं होते कोई फोन नहीं मिलना आपको, ओके? नहीं नहीं कोई फोन नहीं मिलना, बाय बाय कर दो, गुड नाइट कर दो, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।